हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम किसी भी दो संख्या का वर्ग निकालना सीखेंगे। ऐसी ट्रिक बताएंगे कि आप कभी नहीं भूलोगे। और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो आप तक पहुंच जाए। जैसा कि हमने एक संख्या ली है, कितनी ली है? 42। तो क्या करना है अपन को? ये दो डिजिट हैं तो यहाँ पर अपन को एक प्लस का आइकन बनाना है। तो देखो, 4 का वर्ग कितना होता है? 16। तो इस साइड 16 लिखेंगे, और 2 का वर्ग कितना होता है? 4 होता है। लेकिन अपन को एक काम करना है, यहाँ पर भी दो डिजिट होना चाहिए। तो क्या करेंगे? दो संख्या होना चाहिए तो यहाँ पर एक जीरो लगा लेंगे। आप क्या करेंगे, इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 4 × 2 × 2। तो देखो, 2 × 2 = 4, और 4 × 4 = 16। तो यहाँ पर देखो, यहाँ से इस साइड से एक अंक छोड़ के लिखना है। तो यहाँ पर कितने लिखेंगे? 6। यहाँ पर कितना लिखेंगे? 1। अब क्या करना है अपन को, सबको ऐड कर देना है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 4। ये कितना हो जाएगा? 6। 6 और 1 कितना हो जाएगा? 7 और 1। इस प्रकार ये वर्ग क्या हो गया है? निकल गया है। अब अपन सीखते हैं नेक्स्ट। जैसे क्या करेंगे अपन, 72 का अपन को क्या करना है? वर्ग निकालना है। तो क्या करना है अपन को, पहले एक प्लस का आइकन बना लेना है। अब क्या करना है, 7 का वर्ग कितना होता है? 49। और 2 का वर्ग कितना होता है? 4। और यहाँ पर क्या लगा लेंगे? 0 लगा लेंगे। अब इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे। देखो, 7 × 2 = 14, 14 × 2 = 28। तो यहाँ पर कितना लिख देंगे? 28 लिख देंगे। अब इन सबको जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 4। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 8। 9 और 2 कितना होगा? 11। 11 × 1 और कैरी कितना आएगा? 1। 4 और 1 कितना हो जाएगा? 5। इस प्रकार क्या हो गया है? वर्ग निकल गया है। अब सीखते हैं और भी एग्जाम्पल। वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहना, अन्यथा आप कभी नहीं सीख पाओगे। जैसे हमने संख्या ली है 82। 82 का निकालना है तो पहले ऐसा प्लस का आइकन बनाएंगे। तो देखो, 8 का वर्ग कितना होता है? 64। और 2 का वर्ग कितना होता है? 4। अब इन सब का मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो, 8 × 2 = 16, 16 × 2 = 32। तो यहाँ पर कितने लिख देंगे? 32 लिख देंगे और सबको जोड़ देंगे। तो कितना हो जाएगा? 4। यहाँ पर 2 आएगा। 4 और 3 कितना हो जाएगा? 7 और 6। इस प्रकार क्या हो गया है? निकल गया है। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो मात्र 2 सेकंड में या 3 में निकाल लोगे। जैसे अब 64 का निकालना है तो सबसे पहले ऐसा क्या करेंगे, प्लस का आइकन बनाएंगे। अब 6 का वर्ग कितना होता है? 36। और 4 का वर्ग कितना होता है? 16। जब इस साइड 2 अंक आ जाएंगे तो आपको 0 नहीं लगाना है। जब 1 अंक आए तब इस साइड यहाँ पर 0 लगाना है। तो इस साइड देखो, 4 का वर्ग कितना होता है? 16 होता है, इसलिए नहीं लगाया है। तो अब क्या करेंगे अपन, सबका मल्टीप्लाई करेंगे। 6 × 6 = 24, और 24 × 2 कितने होते हैं? 48। तो यहाँ पर 48। अब सबको जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 6 और 1 और 8 कितना हो जाएगा? 9। 6 × 4 = 10, और 3 और 1 कैरी कितना हो जाएगा? 4। और भी अपन एग्जाम्पल से समझते हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर बनना, नहीं तो आप नहीं सीख पाओगे। जैसे संख्या ली है 54। तो क्या करेंगे, पहले ऐसा प्लस का आइकन बनाएंगे। अब 5 का वर्ग कितना होता है? 25। और 4 का वर्ग कितना होता है? 16। अब इन सबका मल्टीप्लाई, 5 × 20 और 20 × 2 = 40। तो यहाँ पर 4 लिखेंगे, यहाँ 0 लगाएंगे। और अब क्या कर देंगे, सबको ऐड कर देंगे। तो 6, यहाँ पर 1, 5 और 4 कितना हो जाएगा? 9 और 2। इस प्रकार क्या हो गया है? वह निकल गया है। एक एग्जाम्पल से और समझते हैं। तो यहाँ पर हमने संख्या ली है 95। तो देखो, 9 का वर्ग कितना होता है? 81 होता है। और 5 का वर्ग कितना होता है? 25 होता है। अब इनका सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 × 45, और 45 × 2 कितने होते हैं? 90। इन सबको क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। 5, 2, 9 और 1 कितना हो जाएगा? 10 का 0।
आठ बाई कितना हो जाएगा, नौ। इस प्रकार क्या है, बैग निकल गया है। वीडियो को शेयर एवं लाइक जरूर करें। थैंक यू।